तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लीजिएंगे, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत आता है आप लोग डिसीजन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को हम मदद कर सके किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा फॉर्म फिलअप करने तक का पूरा समझ में आए प्रोसेस को कैसे भरना है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, एक ही वीडियो में सारा चीज़ बता दूंगा। चलिए हम लोग बिना देर के उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मिश्रा धातु निगम लिमिटेड में आई हुई है, अप्रेंटिसशिप के लिए आई हुई है ये मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, कंचन बाग हैदराबाद, ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर दी गई है, यहाँ जा करके आप लोग करना होगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन हुआ, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर के लिए है। पास आउट ड्यूरिंग 18, 19, 20 और 21 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप रहेगी ट्रेनिंग। तो ये देख सकते हैं इसमें दी गई ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन के लिए है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 है ग्रेजुएट में और 8 है टेक्नीशियन के लिए, मतलब डिप्लोमा के लिए। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है ये 12 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, 10 पोस्ट जो है टेक्नीशियन के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए IEEE के लिए 8 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, 5 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए है। सिविल इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, 2 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट वाले के लिए 4 पोस्ट आई हुई है। कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस के लिए 5 पोस्ट टेक्नीशियन का है, सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है, जिसके लिए जो है ग्रेजुएट के लिए टोटल पोस्ट 40 है और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 30 पोस्ट है। इसमें जो स्टाइपेंड जो मिलेगी ग्रेजुएट वाले को 9000 और डिप्लोमा वाले को 8000 स्टाइपेंड मिलेगा, बहुत कम है, फिर भी आप लोग को जो भी लोग उसके एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए है, कम से कम आपके पास डिग्री होना चाहिए जो भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा से तो डिप्लोमा से, बीटेक से तो बीटेक से, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एज लिमिट जो है एज पर द अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। रिजर्वेशन जो है आपको SC ST PWD OBC के लिए है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही मिलेगी, ठीक है। आगे जो है इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज इसमें देखिए डिटेल से दे दिए गए किसके लिए कितना रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन रिजर्व के लिए 7, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, SC ST के लिए दिया गया। इसी तरह से डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए भी इसमें रिजर्वेशन का पूरा डिस्क्राइब दे दिया है ताकि आप लोगों को बाद में चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे इसके अंदर मुझे अप्रेंटिस के अंदर मुझे रिजर्वेशन मिले या ना मिले, ठीक है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है एज पर प्रिस्क्राइब इन क्लॉज 4 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 इज अमेंडमेंट देयरफॉर इफ एनी। तो मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है तो आप लोग फिजिकल सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा। आपको जब सिलेक्शन होगा तो उस समय सारा डिटेल बोल दिया जाएगा मेल के द्वारा, आप लोग को आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 साल का पीरियड रहेगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। उसका प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो और करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप एक्ट और 1 ईयर इज मोर एक्सपीरियंस नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी लोग पहले से कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप और जो लोग पहले से छोड़ चुके हैं और अभी पहले से मतलब कर चुके हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो हैगा प्योरली आपको रैंक लिस्ट वुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आफ्टर कंडक्टिंग सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन। तो जो भी लोग आप लोग का सर्टिफिकेशन वेरीफिकेशन होगा उसके आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी और आपके मार्क्स के आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जो सिलेक्शन होगा उन लोगों का होगा। प्रोसेस जो रहेगा रजिस्ट्रेशन का देखिए, इस पर पहले सबसे पहले आप लोग का MHRD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए जो है हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ग्रेजुएट का और अप्रेंट डिप्लोमा वाले कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट MHRD NATS पोर्टल पर जा करके, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे दिए हैं, आप उस लिंक पे जाकर के वीडियो को देखिए और उसके नीचे आपका वेबसाइट का लिंक भी दे दिए हैं ताकि आप लोग वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो को पूरे देखिएगा, आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सारे प्रोसेस को उसमें समझ लीजिएगा और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि उसमें सर्च क्या है, इस्टेब्लिशमेंट नंबर मारेंगे मिश्रा धातु निगम लिमिटेड तो उसमें आप लोगों को दिखाएगा, हम दिखाएंगे आपको वो भी करके। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है 25/10/2021 से शुरू हो गई है, तो मतलब 25 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो गई है। तो लास्ट डेट जो है 10/11/2021 तक रहेगी, ठीक है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग इस मेल आईडी पे मेल करके इंक्वायरी कर सकते हैं।
और या नहीं तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर 10 से लेकर 5 के बीच में कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एररनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। तो जो भी ड्यू डेट के बाद अगर एप्लीकेशन मिलता है इनकरेक्ट तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस एप्लीकेशन को। उसके बाद बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विशेषा तो कंज्यूमर हैज नॉट इंश्योर्ड। अच्छा, वही जो बात पहले बोल रहे थे, पहले से बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों को ये प्रॉमिस नहीं करेगा कि परमानेंट जॉब देगा, ग्रेजुएट करवा के क्या ट्रेनिंग करवा के फेंक देगा बाहर। तो ये सारा डिटेल था। तो हम लोग चलिए उसके पोर्टल पे चलते हैं और डायरेक्ट हम उस पोर्टल को देखेंगे ताकि आप लोग को वहाँ से मिल सके पूरी लोकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलते ही आप लोग यहाँ से आपको क्या सर्च मारना है, तो पहले आप लोग यहाँ से इनरोलमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, वो भी बता रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम अपना भी वेबसाइट खोल के अपना जो आईडी है हमारा वो आईडी खोल करके हम लोग बता सके डिटेल से कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा लेट लग रहा है। तो उस रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट करने के बाद ही आप लोग उसमें इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और वहाँ से अप्लाई करके, अप्लाई का लिंक आएगा, अप्लाई करेंगे। तो ये टोटल इनरोलमेंट का है प्रोसेस। यहाँ देखिए, यहाँ खुल गया है, यहाँ पे मारेंगे सर क्लिक ए स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ेगी ये, आप लोग आगे बढ़ेगी अपने ऑटोमेटिक ये रोटेट करेगा और पेज खुलेगी, बढ़ते जाएगी आपका जो जो फॉर्म फिलअप को जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करते चलेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीड अपने ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। जहाँ पे भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देंगे। तो ये देखिए यहाँ खुल गया ना, उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट से उसको क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मैं आप नेक्स्ट प्रोसीड हुआ, इसमें जो है आप लोग हाँ कंप्लीटेड है, क्या है डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट मारेंगे, कब पास आउट किए थे 2019-20 to 2021, उसके बाद रेगुलर है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस है, वो मारेंगे। क्लिक करते ही आप लोग का आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये देखिए क्लिक करते ही आगे प्रोसीड हो गया, कब पास किए थे, यस और नोट, सैंडविच स्टूडेंट और नोट। तो यहाँ पे डू यू वर्क एनी हियर, वन ईयर, नो, नो एक्सपीरियंस है तो नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे यस, नो, 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 इस पर आप लोगों को आगे प्रोग्राम नॉट एलिजिबल, यहाँ लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू इनवॉल्व इन दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसीलिए आप लोग यहाँ पे नो भरिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुएट यू आर एलिजिबल फॉर दिस अप्रेंटिसशिप, ये सारा चीज़ आप लोग डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखिएगा ताकि आप लोग को अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये तो था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो ये चार प्रोसेस में कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन राइज एंड गाइडलाइंस, इनरोलमेंट फॉर्म, रिव्यू एंड कन्फर्म, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, उस आईडी को लिख लीजिएगा, पासवर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जाते ही मेरा अपना खुद का आईडी खोल करके आप लोगों को दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कैसे अप्लाई करना है और सारे प्रोसेस को हम बताएंगे, ठीक, ताकि आप लोग को वहाँ से अप्लाई कर सके। तो ये पूरे चीज़ को केयरफुली आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैं हेल्प कर सकूँ आपका। तो ये पेज आपका, ये लॉगिन करने के बाद इसमें सर्च करना होगा क्या कि ये मेरा, देखिए ये मेरा जो बनाया था मैंने आईडी, उस आईडी को मैं ओपन करके अप्लाई करने तक प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये मेरा पेज खुल चुका है, मैं पहले से कर रहा हूँ डीआरडीओ में गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ जाकर मैं कर रहा हूँ अभी, और अभी तक चल रहा है मेरा, 1/3/2020 में मैंने इम्प्लीमेंट किया था। और उसके बाद यहाँ देखिए इस्टेब्लिशमेंट है, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपका पेज खुल जाएगा, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट पे जाते ही आपका पेज खुलेगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च, इस्टेब्लिशमेंट नेम है ना, इस पर सर्च मारेंगे, सर्च करते ही इस पर क्या क्लिक करना है, किसके लिए हम लोग खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं क्या, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, इसमें बोले हुआ है कहाँ, यहाँ देखिए यहाँ लिखे हुआ है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, तो इस पर कॉपी करेंगे या नहीं तो उसमें जा कर के लिख सकते हैं मिश्रा धातु, ठीक है, कॉपी करिए और इस पर जाके आप लोग सटा दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद सर्च कीजिए तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ देखिए मिश्रा धातु का आ गया, इस पर सारा चीज़ के ब्रांच के बारे में दिया गया है, किसके लिए, तेलंगाना के लिए, यहाँ पर जा कर के क्लिक करते ही ये खुलेगा पेज,
आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके डिटेल दिया हुआ है, अगर आप लोग पहले से कर रहे हैं तो आपको नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, हम पहले से कर रहे हैं तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नंबर आ गया है, यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस था ना, अप्लाई के प्रोसेस पर जा करके आप लोग कर सकते हैं। बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग को दिखाएगा डिटेल से। इस्टेब्लिशमेंट पर गए थे, यहाँ पर आप लोगों को क्या मारना था, मिश्रा धातु, तो क्लिक कर देंगे, ठीक है। सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए अप्लाई का प्रोसेस है ना, अप्लाई का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अप्लाई वाले पर लिंक कर देंगे। अप्लाई अप्लाई करते ही आपका अप्लाई हो जाएगा, वहाँ प्रोसेस मांगेगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस अप्लाई करने का था, कैसे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये सारे डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी अच्छे से। हम लोग किसी दूसरे के परेशानी की ज़रूरत ना पड़ेगा। और ये डिपार्टमेंट आईडी पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट नेम है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, ग्रेजुएट के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, किसके लिए, वो पोस्ट के बारे में डिटेल से दी गई है। और ये टेक्नीशियन काउंट दी गई है टेक्नीशियन के लिए। तो इस सारा प्रोसेस के बारे में था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो भी लोगों को अच्छा लगता है, ज़रूर है कि आप लोग अप्रिसिएट कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे और भी नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा अपडेट टाइमली। तो बस इतना ही था, आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।